हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। और चेस्ट एक्सरे में आज हम केवल ये समझेंगे कि किस तरह से एक्सरे के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। मैं यहाँ पर किसी भी डिसीज़ के बारे में आज डिस्कस नहीं करूँगा। डिसीज़ से रिलेटेड वीडियोस, चेस्ट एक्सरे की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड है, उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। लेकिन यहाँ पर हम केवल ये समझेंगे कि यहाँ पर हमें ऐसी कौन सी चीज़ें एक्सरे के अंदर देखनी है जो हमें एक्सरे देखते टाइम पर याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेकिया एंड इसके चारों तरफ की जो कवरिंग है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं वो, और राइट एंड लेफ्ट लंग की दोनों तरफ की प्लूरा। उसके बाद में हम देखेंगे हार्ट की शेडो हमें प्रॉपर देखने को मिल रही है या नहीं। उसके बाद में देखेंगे हम गैस्ट्रिक बबल्स तो हमें नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर। स्टमक, ठीक है, स्टमक की जो शेडो है वो हमें नहीं दिखती है, बहुत ही रेयर दिखती है। दूसरे, उसके बाद हम देखेंगे आपके जो क्लेविकल है, क्लेविकल फ्रैक्चर तो नहीं है, ठीक है, क्लेविकल। और यहाँ पर हम देखेंगे मैनुब्रियम, है ना, ये देखिए, ये थोड़ा सा ये आर्च दिख रही है, देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारी जो रिब्स हैं वो फ्रैक्चर तो नहीं है, टूटी हुई तो नहीं है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और देखिए ये वर्टिब्रा हैं, ये यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे वर्टिब्रा, है ना। तो यहाँ पर हम केवल यही समझेंगे इस एक्सरे में कि हमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा केयरफुली हमें ऐसी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लंग्स की कवरिंग के ऊपर, यानी कि लंग्स की कवरिंग जो है वो कहाँ से हमें देखना स्टार्ट करनी है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, ये जो लास्ट एंड आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सीपी एंगल, यानी कि कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। और एक यहाँ भी होता है, इसे भी हम बोलते हैं सीपी एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सीपी एंगल होता है उसे बोलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ओके, जो कि हार्ट से रिलेटेड है। और ये कॉस्टोफ्रेनिक एंगल यानी कि कॉस्टो यानी कि जो रिब्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमें कवरिंग अगर ये क्लियर दिख रहे हैं, ये कॉर्नर अगर हमें क्लियर दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर इफ्यूजन, प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों में पानी वगैरह नहीं भरा हुआ है। दोनों साइड के सीपी एंगल्स हमें देखने हैं, एक ये और एक ये। फिर उसके बाद में हमें ये यहाँ पर सीपी एंगल देखनी है जो कार्डियोफ्रेनिक एंगल है, ठीक है। और उसके बाद में हमें देखनी है चारों तरफ इसकी जो लेयर है, यानी कि लेयर तो हमें नहीं दिखेगी लेकिन उसकी शेडो हमें देखने को मिलेगी, ओके, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इसके बाद हमें क्या देखना है। इसके बाद हमें देखना है कि आपकी क्लेविकल कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, क्लेविकल फ्रैक्चर है या नहीं है। अगर क्लेविकल फ्रैक्चर है तो हमें यहाँ से फ्रैक्चर या टूटी हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। दोनों क्लेविकल, राइट और लेफ्ट साइड की दोनों साइड की क्लेविकल देखनी है। उसके बाद हमें देखना है ट्रेकिया, ट्रेकिया हमारा शिफ्टेड किस साइड में है, शिफ्ट तो नहीं है राइट साइडेड, जैसे इधर शिफ्ट तो नहीं है, हल्का सा इधर आ गया हो या हल्का सा इधर आ गया हो, है ना। जैसे अगर शिफ्ट होगा तो इस तरीके से दिखाई देगा, है ना, देखिए ये, है ना, कभी कभार टेढ़ा, इस तरीके से टेढ़ा भी हो जाता है ना, तो ये हल्का सा शिफ्टेड दिखाई देगा, ये देखना है। उसके बाद में हमें देखनी है रिप्स हमारी फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई रिप्स फ्रैक्चर है या नहीं है, ठीक है। रिप्स अगर कोई फ्रैक्चर है तो फिर ये अलग एक ट्रॉमा या फिर एक एक्सीडेंटल केसेस होते हैं जिनके अंदर मोस्टली रिप्स फ्रैक्चर हो जाती हैं। उसके बाद हमें देखने हैं लोब्स, यानी कि देखिए ये अपर लोब है, ये मिडिल लोब है और ये लोअर लोब है, ठीक है। ये राइट लंग की हम बात कर रहे हैं और ये यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्टिब्री, देखिए वर्टिब्रा भी हमें थोड़ा सा देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर वर्टिब्री जो हैं ये भी हमें देखने को मिल जाएगी, एक एक दो तीन चार पाँच, है ना, इस तरीके से। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमें और क्या देखना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो एओर्टिक आर्च है, है ना, जो एओर्टिक आर्च जो बनती है, यहाँ से एओर्टा निकलता है इस साइड से, तो यहाँ पर हमें जो आर्च दिखेगी वो भी हमें देखनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आर्च फुली हुई होगी या फिर कम होगी तो यहाँ पर हमें शेडो देखने को मिलेगी ऑलरेडी, ठीक है। ये है आपका सुपीरियर वेना केबा, जो सुपीरियर वेना केबा है जो आपका ब्लड ऊपर से, ब्रेन से ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, हार्ट के लिए, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और यहाँ से इसी साइड से, बिल्कुल यहाँ से आपकी ओपन होती है इन्फीरियर वेना केबा, ठीक है, जो नीचे लोअर लिम्ब से आपका ब्लड लेके आती है, ठीक है, राइट एट्रियम में ओपन होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि लिवर,
लिवर, यहाँ पर हमें लिवर की शेडो भी हमें कभी कभी यहाँ पर थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है, लेकिन रेयरली, बहुत ही कम चांस होते हैं कि लिवर की शेडो हमें एक्सरे में देखने को मिले। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए किसी को प्लूरल इफ्यूज़न है तो ये सीपी एंगल गायब हो जाएंगे दोनों, अगर जिस साइड में प्लूरल इफ्यूज़न होगा उस साइड के ये गायब हो जाएंगे। अगर किसी को कैंसर है तो वो एक पर्टिकुलर गोल टाइप का हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा, या न्यूमोथॉरेक्स है तो एक लाइन, ब्लैक लाइन हमें देखने को मिलेगी, अलग अलग से ब्लैक लाइन हमें देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं कि ये न्यूमोथॉरेक्स है। अब हम बात करें कि यहाँ पर हमें और क्या देखने को, तो देखिए ये सारे जो जनरल चीज़ें हैं हमने इस वीडियो में सीख ली हैं कि जनरली हमें क्या देखना है। हार्ट की जो साइज़ है, हार्ट का जो मेज़रमेंट है वो हमें देखना है कि हार्ट की साइज़ जो है पता चले कि ये गायब, पूरा ही गायब हो जाए, है ना। अगर ये यहाँ तक आता है इसका मतलब है कि हार्ट एनलार्ज हो रहा है ना, जो वेंट्रिकल्स हैं वो एनलार्ज हो रहे हैं, है ना, इस साइड में देखना है, इतना तो नहीं है। डेक्स्ट्रोकार्डिया अगर होगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया होगा तो ये वाला हिस्सा इस साइड में आएगा, अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया किसी मरीज़ को होता है तो ये वाला हिस्सा इस साइड में आ जाएगा, है ना, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग्स हमने देख ली है इस एक्सरे के फिल्म में। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर कुछ सीखा है तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। और मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।